फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही चाट खाने का मन कर रहा था, तो घर पे देखा तो सिर्फ एक कुरकुरे का पैकेट ही मिला मुझे, तो उससे ही हमने आज ये चाट बनाई है। पर आप मानोगे नहीं, ये बहुत बढ़िया, बहुत चटपटी और बहुत ही टेम्पटिंग बनी है। तो इसे देखकर तो आपके भी मुंह में पानी तो आ ही गया है, मुझे पता है। तो अगर रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो चलो हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बोल लेंगे, इसमें हम ये डालेंगे कुरकुरे। ये कुरकुरे जो हमने लिए हैं वो आपके पसंद के आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मसाले वाले लिए हैं, तो इसमें कोई भी फ्लेवर आपको पसंद हो तो आप ले सकते हो। इसे हम काट कर इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से प्याज। आपको प्याज पसंद हो आप उसमें डाल सकते हो। उसके साथ बारीक कटा हुआ टमाटर, तो यहाँ पे हमने टमाटर भी डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे ये थोड़ा चटपटा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने ली है ये लहसुन की चटनी है, ये तीखी वाली, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ऐड कर दी है। आप तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो आप ज्यादा इसमें डाल सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने ली है ये खजूर और इमली की चटनी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। हम डालेंगे यहाँ पे मैंने बेसन की सेव ली है, वो इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम डालेंगे ये सेव। और फ्रेश धनिया, और ये थोड़े से प्याज, और ये थोड़े से टमाटर। क्या चटपटा बढ़िया दिख रहा है ये। हाय, क्या बढ़िया सी चाट बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ये काफी टेम्पटिंग दिख रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मैं तो ये सारी प्लेट जो है वो फिनिश करने वाली हूँ। अगर आपको इसका मजा उठाना है तो आपको इसे जरूर बनाना पड़ेगा आपके घर पे, क्योंकि ये कुछ मिनटों में बन जाती है। तो आपको बहुत ही मजा आएगा बनाने में और खाने में भी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।